हेलो गाइस, मैं आपके लिए आज ले आई हूँ चैनल पर अपने ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। और मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। हरी धनिया है ये, और इसमें 2 मैं मिर्ची डाली हूँ और 2 लहसुन। और मैं इसके लिए अब चटनी बना दूँगी इसको। और इसे नींबू है, इसमें मैं निचोड़ दूँगी। और ये देखिए, मैं 3 आलू ली हूँ, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और थोड़ा सा ये मैं आमचूर भी डाली हूँ मैं। और ये अजवाइन है, ये लाल मिर्च है, और ये धनिया, जीरा और काली मिर्च है, और ये गरम मसाला है। 2 मिर्च मैं काट ली हूँ, और ये है कढ़ी पत्ता, इससे स्वाद आता है इसमें। जो मैं आलू ली थी 3, इसको क्रश कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसको मैं क्रश कर लूँगी और इसमें सारा मसाला मैं मिक्स कर दूंगी। और मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था उसमें मैं डाल दी हूँ, और 2 मिर्च काटी थी वो भी डाल दी हूँ। और मैं ये कढ़ी पत्ता डाल रही हूँ इसमें, और ये जो अजवाइन है, और ये लाल मिर्च है, और ये गरम मसाला है। और मैं पहले से ही जीरा के थोड़ा तेल में पका ली थी, इससे स्वाद आएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी, नमक अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। इसमें दे दो, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपना स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। अब मैं बेसन ली हूँ 2 बड़ा चम्मच से, और मैं इसमें अब जा रही हूँ लाल मिर्ची डालने। और ये है मिक्स जीरा, काली मिर्च और धनिया है, और ये है हल्दी, और ये है नमक, अपना स्वाद अनुसार आप डाल लीजिएगा। थोड़ा ही मैं डाली हूँ, और मैं इसको पानी डाल के घोल बना लूँगी। अभी जो मैं ब्रेड रखी थी, अब उसमें टमाटो सॉस डाल रही हूँ। अब इसमें मैं चोखा डालने जा रही हूँ। अब इसको चोखा डाल करके मैं इसको दबा दूंगी, और दबा करके बेसन में लगाऊंगी। अब मैं इसमें डाल करके अब छान दूंगी इसको। अब आप देखते रहिए आगे। मैं इसमें तेल डाल दी हूँ, और इसको मैं अब तलने जा रही हूँ। आप देखते रहिए, अब तलने के बाद इसके अब के खाने में भी स्वाद आएगा। ये देखिए, मैं इसको एकदम तल दिए हैं, इसका कलर आ गया है अच्छा। ये मेरा ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। अब आप भी जाइए अपने घर और बनाइए, और ब्रेड पकौड़ा के स्वाद लीजिए, और मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए।